नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब सक्सेसर को ही बोला जाता है क्या? आफ्टर नंबर। क्या बोला जाता है? आफ्टर नंबर। और प्रीडिसेसर को क्या बोला जाता है? बिफोर नंबर। क्या बोला जाता है? बिफोर नंबर। मीन्स अब हम लोग याद कैसे रखेंगे? जैसे कभी कभी क्या आता है कि एग्जाम्स में कि सक्सेसर आता है या फिर आफ्टर नंबर आता है। ठीक है, प्रीडिसेसर आता है या फिर बिफोर नंबर आता है। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मीनिंग सब दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है? पहले वाला। और सक्सेसर का मतलब क्या होता है? बाद वाला। और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? पहले वाला। ठीक है, ये आफ्टर नंबर हम लोग जानते हैं कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद। और बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। लेकिन सक्सेसर अगर आ गया तो देखिए क्या होता है कि सक्सेसर में क्या छिपा हुआ है? सक्सेस। क्या छिपा हुआ है? सक्सेस। तो सक्सेस, अगर कोई व्यक्ति सक्सेस पाता है तो सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। मीन्स वो आगे जाता है। कहाँ जाता है? आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर देखेंगे। जब भी अगर सक्सेसर रहेगा और प्रीडिसेसर रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सक्सेसर मीन्स क्या होता है और प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है। तो सक्सेसर का छुपा हुआ क्या? सक्सेस। जब कोई व्यक्ति सक्सेस पाता है तो वो आगे की ओर जाता है। ठीक है, और अगर है आफ्टर नंबर, तो आफ्टर मीन्स हम लोग जानते हैं कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद वाली संख्या। ठीक है, तो 63। अब 63 के बाद क्या आता है? 64। क्या आता है? 64। या तो फिर अगर सक्सेसर आफ्टर नंबर रहे तो हम लोग क्या करते हैं? 1+ करते हैं। जो भी संख्या रहेगा उसमें 1+ करेंगे। 63 + 1, यहाँ पे क्या आ गया? 64 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग? 64। 55, तो 55 + 1, यहाँ पे क्या आ गया? 56। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 56। मीन्स सक्सेसर और आफ्टर नंबर अगर रहे तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस वन करते हैं। और प्रीडिसेसर और बिफोर नंबर रहे तो हम लोग माइनस वन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आसानी तरीके से बना लेंगे। 92 के बाद क्या आता है? 93। 37 के बाद क्या आता है? 38। 86 के बाद क्या आता है? 87। ठीक है, 21 के बाद क्या आता है? अगर आप लोग 20 में अगर कहीं भूल जाते हैं तो क्या करना है? 1+ करना है। तो 21 + 1 करेंगे तो फिर 22। 45 के बाद क्या आता है? 46। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो 1+ करेंगे, या तो फिर अगर काउंटिंग आ रहा है, बच्चों को अच्छी तरीके से आ रहा है तो वो आसानी से बना लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? 1+ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएं? सक्सेसर नंबर और आफ्टर नंबर। ठीक है, अब प्रीडिसेसर और बिफोर नंबर में क्या करते हैं हम लोग? -1 करते हैं। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग -1 करेंगे। ठीक है, जैसे 36 है तो 36 में हम लोग क्या करते हैं? -1। तो 36 - 1 क्या आ जाएगा? 35। रिजल्ट क्या आएगा? 35। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 35। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? 35 मीन्स इसके पहले वाला। 85 क्या लिखा हुआ? 85 के पहले क्या आएगा? 84 आएगा। 97 के पहले क्या आएगा? 96 आएगा। 82 के पहले क्या आएगा? 81 आएगा। 37 के पहले क्या आएगा? 36 आएगा। 96 के पहले क्या आएगा? 95 आएगा। 54 अगर कोई बच्चा को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कैसे। 54 - 1 53। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 53 लिखेंगे। 76 के पहले क्या आएगा? 75। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी तरीके से अपने बच्चों को घर पर सिखा सकते हैं कि सक्सेसर और अगर आफ्टर नंबर रहे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1+ क्या करेंगे? 1+ करेंगे। याद रहे 1+। ठीक है, और प्रीडिसेसर और बिफोर नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? -1 करेंगे। ठीक है, जो भी संख्या दिए हुआ रहेगा उसमें -1 कर देंगे। और
जो भी संख्या इसमें सक्सेसर या आफ्टर नंबर में दिया रहेगा उसमें हम लोग प्लस वन करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, सक्सेसर नंबर और प्रीडिसेसर नंबर क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।